गाइस कैसे हैं आप सब। सो ये मेरा कोर्स एडजेक्टिव इन हिंदी, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रवीण भारती। सो आज के लेसन में हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में और काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेयर समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड दिस, प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर दिस कोर्स एज मच एज यू कैन। यू कैन फॉलो मी बाय दिस लिंक unacademy.com/username/प्रवीण भारती। सो लेट्स स्टार्ट, डेफिनेशन के बारे में देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आप नाउन प्रोनाउन को, मेरा कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे। तो क्योंकि हमें जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सभी कवर करनी पड़ती है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद ही हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। तो सारे एरर्स और मैं जितने भी मैंने इसमें एरर्स लिए हैं वो इम्पोर्टेंट लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे एरर्स होते हैं लेकिन जो फेमस एरर्स हैं, क्योंकि एसएससी सीजल में मेनली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एरर से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन का मीन्स 6 नंबर के एरर्स आएंगे, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 एरर्स जो आएंगे वो फेमस एरर्स आएंगे। फेमस एरर्स का मीन्स है कि जैसे नाउन में बहुत सारे एरर्स होते हैं, एडजेक्टिव में बहुत सारे एरर्स हैं, 20 से 25 एरर्स रूल्स हैं, लेकिन मैंने इसमें 10 से 11 जो रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो ही इसमें कवर किए हैं। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण मीन्स विशेषता, किसकी? नाउन की। नाउन कौन होता है? किसी का नाम हो सकता है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं, मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जैसे शी इज अ काइंड गर्ल, तो गर्ल कैसी है? काइंड है, तो काइंड इसमें क्या एडजेक्टिव है? आई लाइक दिस पेन, पेन कैसा है? दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद है, या कर मैं ये पेन पसंद करता हूँ, तो दिस इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। राम इज फास्ट, तो फास्ट क्या एडजेक्टिव है? ब्लैक पेन, तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, ये सब काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के। अब डीपली इसको एनालाइज करते हैं कि इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जैसे अशोक वाज अ वाइस किंग, तो वाइस इसमें एडजेक्टिव है, राइट? अब वाइस तो है लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है वो भी आपके 7 काइंड्स होते हैं। अब उन 7 काइंड्स में से कौन सा एडजेक्टिव है वाइस? वाइस का मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आएगा? गुण की बात हो रही है, इसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो वाइज क्या है? क्वालिटी। राम इज़ अ गुड प्लेयर, तो गुड एक क्वालिटी है, तो इसलिए कौन सा एडजेक्टिव में जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो वाइज और गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितने अमाउंट में है वो। सम मिल्क, इनफ वाटर, सफिशियंट, तो सम, इनफ, सफिशियंट, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सम, इनफ और सफिशियंट क्या है? क्वांटिटी है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स नंबर, जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, फ्यू, सेवरल, 6 पेन। अब इसमें 6 क्या है? वो एडजेक्टिव है लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि उसमें नंबर के बारे में बता रहा है कि कितने नंबर है, हाउ मैनी नंबर्स। तो हाउ मैनी के मीन्स में क्या आ जाएगा? 6, few, several। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो भी 2 तरह का होता है, 2 काइंड्स, एक तो डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट मीन्स हमें पता है कि पेन कितने हैं, 6 है, लेकिन फ्यू पेन से इसका मतलब पता नहीं है कितने पेन से। तो 6, few और several एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आगे पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव का मीन्स होता है, जैसे कि इंडियन, ब्रिटिश, एशियन, अफ्रीकन, चाइनीज। जैसे इंडियन करेंसी है, ब्रिटिश रूल है, तो ये सारी चीज़ें। अब करेंसी तो है, कौन सी करेंसी है? इंडियन करेंसी है। रूल है लेकिन कौन सा है? ब्रिटिश रूल है। तो इंडियन, ब्रिटिश, एशियन, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव में आएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मीन्स होता है इंडिकेट करके आप कोई चीज कह रहे हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। इसमें आगे जो स्लाइड आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो मीन्स किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं। दिस और दीज का मीन्स होता है जो स्पीकर के पास होते हैं, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं दिस कार, दिस पेन, इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे।
कोई चीज अगर एक से ज्यादा है लेकिन दूर है तो दोज का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज हमारे पास है लेकिन एक से ज्यादा है तो दीज का। तो दिस और दीज मीन्स जो नियर होते हैं, दैट और दोज जो फार होते हैं स्पीकर से। डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स हो जाएगा ईच और एवरी, कोई चीज बांटने के लिए तो ईच और एवरी। इंटेरोगेटिव में मीन्स प्रश्न पूछने के लिए, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक एडजेक्टिव विशेषण। तो हुज बुक, आप प्रश्न पूछ रहे हैं किसकी बुक, हुज बुक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वालिटी क्वांटिटी नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटेरोगेटिव, ये सात प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। और डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो मॉडिफाइज करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं, और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। और सेवन काइंड्स एडजेक्टिव के होते हैं। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इन दोनों में से बताइए कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके सामने सामने नहीं लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा तो यही राइट है। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जिसको नाउन फॉलो करता है, जैसे कि दिस बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, तो दिस के बाद नाउन, अगर नाउन इसको फॉलो करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, तो ये इसका राइट है यहाँ पर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, जिसको वर्ब फॉलो करेगा, वर्ब किसमें इज है, दिस इज अ गुड बॉय, तो दिस बॉय, बॉय क्या है, नाउन, अगर नाउन फॉलो करता है इन वर्ड्स को तो वो एडजेक्टिव है, अगर वर्ब फॉलो करेगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, डिग्रीज का क्या मीन्स होता है, जैसे कि कोई वर्ड है गुड बेटर बेस्ट, तो डिग्रीज का मीन्स होता है कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि गुड है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बेटर है तो बेटर में कंपैरिजन होता है। जैसे एक क्लास में हम किसी को गुड बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको बोलना बेटर तो पूछा कि वो किससे बेटर है, तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है। और बेस्ट का मीन सुपरलेटिव डिग्री है, सब में बेस्ट है वो, पूरी क्लास में सबसे बेस्ट ये लड़का है अगर हम बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री पीडी होती है, सीडी होती है, और एसडी, पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज होती हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ मैंने कुछ डिग्रीज ही कवर किए, लेकिन बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, सिर्फ इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हर बार ER और EST लगा के कभी भी कॉम्पिटेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। जैसे गुड है, गुड में ER लगा दे तो बेटर और बेस्ट, जैसे ओल्ड है, ओल्डर में ER लगा दिया और EST लगा दिया तो ये CD और SD बन गई, CD मीन्स कॉम्पिटेटिव डिग्री, SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। अब गुड का CD क्या होता है, SD क्या होता है, बेस्ट, ओल्ड, ओल्डर और डेस्ट, तो ER लगा के और EST लगा के हम CD और SD बना सकते हैं, कॉम्पिटेटिव बना सकते हैं, सुपरलेटिव बना सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में इसमें ER लगा के इसको CD थोड़ा बना सकते हैं, ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बनेगा। तो इसको हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इंटेलिजेंट का भी कैसे बनेगा, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो डिग्रीज कितने तरह की होती हैं, तीन तरह की डिग्री, PD, CD और SD। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, CD मीन्स कॉम्पिटेटिव डिग्री, SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुपरलेटिव के रूल होते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, इस तरह के रूल्स हम आगे जो भी एरर डिटेक्शन रूल्स आएंगे उसमें कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मेरे कोर्स अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल है, तो इस कोर्स को प्लीज़ रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें और रेटिंग करते रहिए। और एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, प्लीज़ आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।